अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम बैक नाज़रीन। अभी ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही ख़ूबसूरत समा था, अल्लाह सुबहानहु ताला की तस्बीह बयान हो रही थी, अल्लाह का ज़िक्र हो रहा था, और बेशक तमाम तारीफ़ें उस रब्बे ज़ुलजलाल के लिए हैं जिसने हमें अपनी तौफीक से आज ज़िक्र मेराज करने के लिए जमा फरमाया है। ये उसी का करम है, और डॉक्टर साहब ये अल्लाह ही चुनता है, ये लब अल्लाह ही इन लबों का इंतखाब करता है जिससे वो ज़िक्र मेराज करवाता है, क्योंकि ये ज़िक्र करने वाले, इसको मानने वाले, इसका चर्चा करने वाले, इसको फैलाने वाले सिर्फ सिद्दीकी ही हो सकते हैं। लब, लब क्या बात की, लब जब मिलते हैं तो क्या होता है? सुभान अल्लाह, मोहम्मद जिस तरह मिलते हैं लब, मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, लब नाम है मोहम्मद, काश मिल जाए सब, मोहम्मद के सब, सुभान अल्लाह। और ये तौसीफ की बात कर रहे थे आप, क्या फिक्र की जौलानी, क्या आरज़े हुनरमंदी, तौसीफ़े पैगंबर है, तौफीक़े खुदावंदी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तौफीक़े खुदावंदी है, बेशक तौसीफ़े पैगंबर, बेशक बेशक बेशक। तो ये तौफीक अल्लाह सुबहाना ताला ने ही हमें अता फरमाई है, चूँकि मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो सच्चे होते हैं जो ये जिक्र करते हैं और इसको मानते हैं, तस्लीम करते हैं, सुभान अल्लाह। और आज की तो रात इतनी बड़ी रात है, इतनी बरकतों वाली है, अपने अंदर इतनी इनायात इस उम्मत के लिए समेटे हुए है, उन इनायात का, उन तजल्लियात का, उन करम नवाजियों का जिक्र जो अल्लाह सुबहाना ताला ने मेरे आका अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमें अता फरमाई हैं, वो मुशाहिदात और वो नुकात, वो सफ़र, वो सैर, इधर जाना उधर जाना, यूँ बयान करना, यूँ पूछना, तो ये इंशाल्लाह गुफ्तगू के वो पहलू हैं जिसके लिए मैं समझता हूँ कि अब इंशाल्लाह मैं बढ़ रहा हूँ। हमारे बड़े ही महबूब, बड़े ही प्यारे और हर दिल अज़ीज़ भी हैं, दिलों में बसते भी हैं, आज से नहीं कई बरसों से, जिनका खासा है आका अलैहिस्सलाम की मेराज का मौका हो, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका हो, या शब बरात हो, माह रमज़ान हो, ये बड़े पुरजोश अंदाज में हर ट्रांसमिशन का इनेकाद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं खुशी की तरह, क्योंकि ये ऐसा जश्न है कि जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि मानने वाला ही मना सकता है इसको। तो मैं बढ़ रहा हूँ आलम इस्लाम की बड़ी ही मारूफ शख्सियत, मेरी मुराद आलमी मज़हबी स्कॉलर, हम सब के बड़े ही प्यारे, बड़े ही महबूब, जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, और इनके शुक्रगुजार भी हैं, इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार। एक दफ़ा फिर अभी ब्रेक में शहरयार तारिक साहब एक बात कह रहे थे कि गालबन डॉक्टर साहब कोई 8-9-10 माह के बाद ही हम इसी तरह इकट्ठे हुए हैं, जो माह रमज़ान की यादें एक कि अल्लाह मुबारक लना फी रजब अब शाबान कबल्लिगना रमजान, तो अब ये बरकत हो गई है रजब से, अब शाबान तक जाएगी, रमजान में फिर मुसलसल मिलते रहेंगे, अल्लाह के महीने से आगाज हो गया, अल्लाह के महीने से आगाज। तो डॉक्टर दुआ को खूबसूरती से आपने उसकी, सब बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और सबसे पहले दुरूद शरीफ से आगाज़ करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिया बादा, अम्मा बाद, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه। सबसे पहले मैं नकीब महफिल जनाब हाफिज अहमद रज़ा कादरी साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब शहरयार तारिक शहरी भाई हमारे, उनके साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब याकूब इब्राहिम नक्शबंदी साहब, हमारे बहुत प्यारे जनाब मोइन आलम करीमी साहब, सबके महबूब मुकर्रम, मुकर्रम तो खैर ये हैं लेकिन सबसे महबूब मुकर्रम आप भी हैं जनाब कारी हुसैन नारायण साहब, उनके साथ हमारे बहुत प्यारे नाथ खब पिछले बरस से ही अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू टेलीविज़न पर जगा रहे हैं होनहार सना खां जनाब हमारे रिजवान भाई, उनके साथ तशरीफ़ फरमाए सुमेर सुमेर भाई मास्टर सुमेर हैं माशाल्लाह, हाँ ये बहुत खूबसूरत नात पढ़ते हैं, और मेरे उस्ताद मोहतरम मैंने से सीखा, अच्छा सीखी थी बात, मैं नात पढ़ना सीखा है और नहीं हकीकत है, मेरे दोस्त भी हैं लेकिन हकीकतन इन्होंने नात पढ़ना सिखाई है मुझे, जनाब मोहम्मद मुकर्रम अली खान साहब, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ मौजूद हमारे तमाम हाजरीन जिनको अभी तक चाय नहीं मिली, मिल जाएगी, और यहाँ पर टेलीविज़न पर जिस स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं उन तमाम
देखने वाले नाज़रीन को इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब और एहतराम के साथ आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। दरअसल आज इतनी बड़ी शब है, शब दीदार जिसको हम कहते हैं, उस पर कुछ भी कहने से पहले, चूँकि आज मैं कुछ किताबों के रेफरेंस, जो कि सही बुखारी, आपको पता है इमाम बुखारी की जमा की हुई अहादीस पर मुश्तमिल, उसका एक नेमतुल बारी जिसको हमारे बड़े बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने इसको जमा किया और उसकी तशरीह बयान की, उसमें से कुछ हैं फिर शरह सही मुस्लिम। और ये शरह सही मुस्लिम भी बड़ी ज़बरदस्त इस किताब को मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको ज़रूर पढ़ा करें, मुफ्ती ग़ुलाम रसूल सईदी साहब की, और उनकी नेमतुल बारी भी उन्हीं की है। तो उन्होंने जो शरह लिखी है उसमें जहाँ जहाँ मेराज का तस्करा हुआ है, उस तस्करे को किस तरह उन्होंने बयान किया है वो तो मैं आप बयान करूँगा, लेकिन एक और किताब मेरे पास है इमाम अबू यूसुफ़ अस्सालही अश्शामी की, सुबलुल हुदा व रिशाद, उसमें क्या क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की गई है। तो सिर्फ बताना ये मकसूद है कि 27 हो के 22 हो, 21 हो के 23 हो, 13 हो के 12 हो, 12 हो के 30 हो, रजब की जितनी तारीखें सब रसूल की तारीख़ हैं। तो इसमें हम इसमें पढ़ते ही हैं जितनी तारीखें सब रसूल की तारीख़ हैं, या तो रसूल की तारीख़ हैं, या तो रसूल की तारीख है, या रसूल के घर वालों की तारीख है, या रसूल के घर वालों की तारीख, और या अगर रसूल के घर वालों की तारीख है तो फिर रसूल ने जिनको सिद्दीक कहा उनके अकबर होने की भी तारीख है। सिद्दीक को शुरू से थे, सिद्दीक को शुरू से थे। अरबी में सिद्दीक दोस्त को कहते हैं, अरबी में सिद्दीक दोस्त को कहते हैं, दोस्त सिद्दीक होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबे कराम जो उनके दोस्त थे वो भी सिद्दीक नहीं हो सके, सिद्दीक एक ही रहा, क्योंकि जो रात की तारीखी में आपके साथ चलता है, जो अपने घर को छोड़कर अपना सामान माल मता छोड़कर आपके साथ सफर पर हो लेता है, जो आपका हमराज होता है, जो खत्म नबूवत का पासवान होता है, जो खत्म नबूवत का पासवान, वो सिद्दीक होता है। और जो मेराज की तस्दीक बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने कर दे, वो अकबर हो जाता है। तो सिद्दीक असगर तो तमाम सहाबा है, सिद्दीक अकबर सिर्फ सिद्दीक अकबर है, सिद्दीक असगर तमाम सहाबा है, तमाम सहाबा सिद्दीक असगर। दुनिया में रसूलुल्लाह ने सादिक और अमीन का जो एक नक्शा था वो खुद खींच दिया कि सादिक कौन है और अमीन कौन है, और वो हिजरत की रात खींचा, हिजरत की रात खींचा कि मेरा लकब है सादिक और अमीन, मैं हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं हूँ खातमुन्नबीन, मैं हूँ अहमद मुस्तफ़ा, मैं हूँ अल्लाह का आखिरी रसूल, अना खातमुन्नबीन, लेकिन मैं सादिक और अमीन हूँ, ये हमेशा रहेंगे। मैं सादिक और अमीन अपने अंदर से निकाल के कायनात में छोड़ जा रहा हूँ, ये हमेशा रहेंगे। सादिक वो है जो मेरे साथ जा रहा है, अमीन वो है जो बिस्तर पर सो रहा है। तो खुलफाए राशिदीन का सफर भी सादिक और अमीन से शुरू होता है, सादिक से शुरू हुआ, अमीन पे खत्म हुआ, सादिक से शुरू हुआ, अमीन पे खत्म हुआ। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा नंबर, चौथा कुछ भी नहीं है, सादिक से शुरू होता है, अमीन पे खत्म होता है। सादिक अबू बकर सिद्दीक, अमीन है मौला अली, तो बीच में दो कौन है? बीच में दो कौन है? बीच में एक है फर्क करने वाला, एक है फर्क करने वाला, उनके सदाकत और अमानत में फर्क कर सके, सदाकत और अमानत में फर्क कर सके, और तीसरा है जो इस सदाकत और अमानत की हया अपने पास रख सके, उस्मान गनी। तो ये सीधा सा एक मामला है, हम पता नहीं किन चक्करों में पड़े रहते हैं। अगर हम ये समझ लें कि सदाकत शुरू होकर अमानत में खत्म हुआ तो सब कुछ मामला हम समझ लेंगे कि सही हो गया। तो ये एक बड़ा खूबसूरत मौका होता है जब हम अपनी रमजान मुबारक की ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं, ये है, ये एक्चुअली हमारा रमज़ान का आगाज़ हो जाता है, और यहाँ से हम अपने सफ़र की इब्तिदा करते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख में मुझे कहने दीजिएगा कि पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख में हम जिस चैनल पे भी रहे, ये खाकसार, ये बंदे पुरतकसीर, वो गुनाहगार बंदा जिसने मेराज और नबी की ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था, और मेराज की ट्रांसमिशन कभी होती नहीं थी, बुनियाद इस मेराज की रखी, रमज़ान की रखी अल्लाह ताला। तो ये वही चीज़ें हैं जो शायद कभी बख्शिश का सबब बन जाएंगी। बाकी तो दामन आमाल में कुछ ऐसा नहीं है कि जो बख्शवा सके, लेकिन ये रसूल का जिक्र, ये जो अभी आप कह रहे थे, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। तो गम बहुत आते हैं, गम बहुत आते हैं, हम भी इल्ज़ाम के हम भी इल्ज़ाम के अहाते में ना होते, हम भी उम्र होते तो शहजादे होते, हम भी इल्ज़ाम के अहाते में ना होते, हम भी उम्र होते तो शहजादे होते। बात ये कि ये जो मगर इनका नाम लेते हैं, फारूक आज़म, सिद्दीक अकबर, उस्मान गनी, मौला अली, ये नाम ऐसी हिफाजत करते हैं, फिर इल्ज़ाम लगाने वाले भी शर्मिंदा हो जाते हैं, ये नाम ऐसी हिफाजत करते हैं। तो बहरहाल मैं इब्तिदा से पहले नबी करी, अच्छा इब्तिदा से पहले का भी ये मसला है कि हमारे यहाँ इब्तिदा भी अगर हम कहें तो वो भी हम नहीं कह सकते,
कि हमें ये भी नहीं पता कि जिसके सबब हम सांसें ले रहे हैं उसकी इब्तिदा क्या है, उसकी इंतहा क्या है। तो इब्तिदा का लफ्ज़ तो मुसलमान के जबान पे आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको खुद अपनी इब्तिदा और इंतहा नहीं पता, क्योंकि जिसको जिसने उसको पैदा किया है उसकी ना इब्तिदा ना इंतहा है। वो ऐसा मालिक पुरवकार है, ऐसा मालिक जिसे जो जो इबादत के लायक है, जिसके हुजूर सजदे किए जाते हैं। लिहाजा मैं एक गुफ्तगू के आगाज़ से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा तमाम नाज़रीन से और तमाम हाज़रीन से, और वो बड़े दिल से मैं कह रहा हूँ कि हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें जिनमें ख़ास तौर पर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी गुज़िश्ता पचास बरस का हो गया हूँ, तो 50 बरस के होने के बाद मुझे गुज़िश्ता माँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, अब तक मुझे नहीं हुई थी। और मुझे ये नहीं बताया गया कि ये है, मैंने खुद देखा और हकीकत भी यही है। मैंने खुद देखा, मैंने खुद देखा और मैंने जो देखा वो मैं बयान नहीं कर सकता। वो मैं मतलब जो मैं होलिया मुबारक बयान नहीं कर सकता, इसलिए मैं होलिया मुबारक की भी कुछ आज लेकर आया हूँ। मैंने वो पढ़े फिर तो मुझे हूबहू जिन्होंने लिखा और जिन साहबा ने बयान किया, जिन साहबा ने जो कुछ बयान किया वो वैसे ही हैं। और उनके साथ मैंने ज़ियारत की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, और उनके साथ एक और साहबी थे सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह ताला। ये ताबई थे जो मदीने मुनव्वरा में जब 3 दिन तक अजान नहीं दी गई थी तो आपने हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह ताला अनहु वो तशरीफ़ लाए थे। तो मैं कब्र का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, मैं कहता हूँ जहाँ रसूलल्लाह आराम फरमा रहे हैं वहाँ से आवाज़ आई थी सईद अजान दो। इसका मतलब ये कि जो अजान देने वाले वो रसूल के साथ ही रहता है, जो अजान देने वाले वो रसूल के साथ ही रहता है। तो उसमें कुछ चीज़ें हुई, कुछ बातें थी। एक मैं आपको बात ये कहना चाहूँगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर किसी चीज़ से नागवार कोई चीज़ महसूस होती है, जो मैंने ज़ियारत की तो मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ, वो उनको बिदअत महसूस होती है। अगर कोई चीज़ आपके नबी को नागवार महसूस होती है तो बिदअत है। अब वो फरमाते हैं कि किसी चीज़ को ईजाद मत करना। तो मैं आपको बस ये बात कहना चाहता हूँ कि एक ये सब महफिलें, ये सब मोहब्बत की महफिलें, इनके इनकी कोई तारीख ना हो तो ये बेदत नहीं है, लेकिन अगर आप ये मुंतखब कर लें कि यही तारीख है तो फिर गड़बड़े। बस जिक्र करें, बातें करें, मोहब्बत की बातें करें, और उम्मत कभी भी शर पर जमा नहीं हो सकती, खैर पर जमा होगी। अगर सारे लोग कहते हैं मिलकर मोहब्बत से कि ये 27 रजब कोई महराज है तो भाई सही है, तो फिर सही। तो जो बात है वो ये कि कुछ नाते हैं, उनमें से आज मेराज की शब एक नात पड़ी जाती है, टेलीविज़न पे भी चलती है। सुहानी रात थी, पुरसुकून ज़माना था, उसमें एक मिसरा आता है, तलब थी दीद की। क्या थी? तलब थी दीद की, मेराज का माना था। तर्क कर दें इसको, तर्क कर दें, बहुत नागवार शेर है। तलब, अल्लाह को तलब नहीं होती, अल्लाह जो चाहता है वो हो जाता है, तलब वलब नहीं करता अल्लाह, क्योंकि वो बेनियाज है। अल्लाह तलब बेनियाज कभी तलब नहीं करता, तलब से पाक है वो कुन फयकून की मंजिल पे, वो कहेगा आ जा तो आ जा, और बहानों से नहीं बुलाता वो। बहाने खुदा को बनाने नहीं आते भाई, बहाने तो उसके बंदे बनाते, खुदा बहाने थोड़ी बनाता है। तो ये हमें जरा थोड़ा सा कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा अपनी, और ख़ास तौर पर इन चीज़ों को जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये नागवार महसूस होगी। इसी कि इश्क में इतने आगे ना बढ़ जाओ कि रब की मर्जी को तलब बना दो। तलब जो है वो मर्जी नहीं होती, तलब तो मुतालबा होता है, एक रिक्वेस्ट होती है। खुदा रिक्वेस्ट और मुतालबे से बेनियाज है, खुदा के आगे मुतालबे किए जाते, रिक्वेस्ट से की जाती है, उसकी वाली मुतालबे भी नहीं किए जाते, रिक्वेस्ट से की जाती है, क्योंकि वो काजीउल हाजात है, मुसब्बिबुल असबाब है। तो इस चीज़ को ज़रा बड़ा तवज्जो में रखिए। बाकी देखिए, सब गुनाहगार हैं, अगर गुनाहगार नहीं होंगे तो शफीउल मुज़िबीन कैसे मिलेंगे? तो गुनाहों पर परेशान मत हो। कुल या इबादी लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, तो आप अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, लेकिन ऐसी बात ना कर जाए कि जिससे रसूलल्लाह नाराज़ हो जाए। अल्लाह की नाराज़गी रसूलल्लाह ख़त्म करवा देंगे, अल्लाह की नाराज़गी रसूलल्लाह ख़त्म करवा देंगे। ये जुमला सुन लीजिए आप, अल्लाह की नाराज़गी रसूल ख़त्म करवा देंगे, रसूल की नाराज़गी कौन ख़त्म करवाएगा? दोबारा अब मैं आपको बताया तो कुरान से बताया तो सखिर मिनहु वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इस्तग़फिर लहुम औला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम सबीना मरतन फलन यग़फिर लहु लहुम। इसका मतलब ये कि अगर जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, मजाक क्या है, मजाक क्या है, मजाक ये कि रसूल ने जो कहा आपने उस पर अमल नहीं किया,
मजाक ये कि नबी करीम ने जिन चीज़ों को छोड़ने के लिए कहा आपने उनको नहीं छोड़ा। मजाक ये कि आपको जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया था आपने उन चीज़ों से अपने आप को रोका नहीं, नहीं रोका। तो आप इनके लिए 70 बार मगफिरत करें और 70,000 बार भी मगफिरत करें, आपका रब इन्हें माफ नहीं करेगा। तो यहां रसूल की नाराजगी भी दूर नहीं हो सकती। इसलिए जहां रसूल नाराज हो जाए वहां बड़ा मसला हो जाता है। वहां फिर आप ये सब नातों में कहने की बातें तो अच्छी हैं और ये वाकयात में तो अच्छा लगता है, फिर हम अबू बकर के पास चले जाएंगे, फिर हम उमर के पास, क्या हजरत अबू बकर गलत काम की सिफारिश करेंगे? क्या हजरत उमर गलत काम की सिफारिश करेंगे? क्या सैयदना उस्मान गनी गलत काम की सिफारिश करेंगे रिजवान अल्लाह तआला अलैहि मजमईन? और क्या मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम गलत वो तो सिफारिश, क्या तलवार निकाल लेंगे? इश्क मोहम्मद में राबते और जाबते बड़ी बारीक है, राबते और जाबते दोनों बारीक है। तो इन बारीकियों को समझने की कोशिश की। मेरा अभी सिर्फ इतना पैगाम अभी एक ना से पहले था, अब कुछ बयान में बस करूँगा, वो ये कि इस चीज़ को ख़त्म कर दें कि तलब थी दीद की। जो जो मौका आएगा मैं उस वक्त ही बात करूँगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं अगर वो कहने बैठ जाऊँ तो नामुनासिब होगा। नातों में ज़रा ख्याल करें, क्योंकि मोहब्बत ही कभी कभी तबाही का सबब बन जाती है। मोहब्बत में भी अल्लाह ताला ने दर्जात रखे हुए। मेराज सीढ़ी को कहते हैं, सीढ़ी चढ़ी है, किसी को सीढ़ी बना के ना चढ़िए। मतलब किसी के नाम पर, रसूल के नाम पर ऐसी बात ना करें कि जो रसूल ने कही नहीं। बात ये कहना चाहता हूँ, वयुशदुल्लाह अला मा फी कल्बी वहुवा अलद्दुल खिसाम, जो दिल की बात पे अल्लाह को गवाह बनाए वो सबसे बड़ा झगड़ालू है। ये कुरान कह रहा है बंद घर चीजों से। मैं ये चीजों कह रहा हूँ आपसे कि इनको बड़ा ख्याल रखना है। और मैं समझता हूँ कि हमारे साहब जरा वो भी हदीस का मफहूम सुना दे कि मेरा नाम लेके जिसने झूठ बांधा। हां ये देखिए सही मुस्लिम में वाज़ह तौर पर हदीस है कि जिसने मेरा नाम लेकर ये बयान किया कि ये मुझसे मंसूब है बात, वो अपना रास्ता जानना में तलाश कर ले। मफहूम है बयान में। मकसद ये कि रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को ये समझ लीजिए कि दुनिया की सबसे मुकद्दस अगर कोई ज़ात है तो रसूल की ज़ात है। सबसे मुकद्दस अगर कोई ज़ात है, सबसे मुकद्दस अगर कोई ज़ात है, इसलिए रसूल, इसलिए आज के दिन हम बात करते हैं सुबहान, यानी पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को बैतुल मुकद्दस ले गई, मुकद्दस को मुकद्दस लेकर गए, मुकद्दस को मुकद्दस मकाम से मुकद्दस मकाम तक वापस लाए, मुकद्दस को मुकद्दस मकाम तक लेकर गए, मुकद्दस मकाम पे वापस आए, मुकद्दस मकाम पर आराम फरमाए। सब मुकद्दस है, तो आपकी ज़ात मुकद्दस है, आपकी ज़ात महबूब है, तो बहुत ख्याल करने की ज़रूरत है। और इस ख्याल को जब तक अपने दिल में नहीं बसा लेंगे कुछ आगे नहीं हो सकता। दुनिया ख़त्म हो जाएगी, चले जाएंगे हम सब, चले जाएंगे हम, दुनिया सबकी तब ख़त्म हो जाती है जब इंसान खुद ही मर जाता है। दुनिया उसी दिन खत्म होगी। आप समझते हैं दुनिया तो बाद में खत्म होगी, लेकिन जिसका इंतकाल हुआ उसकी दुनिया तो उसी दिन खत्म हो गई। तो दुनिया तो खत्म ही हो गई, बाकी रह गया आपकी आखिरत, वही सब कुछ है। जो कुछ भी आप बो रहे हैं वो दुनिया में आपको खेती मिली है, इसमें आप आखिरत की बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत सारी बातें सुनी, अब मैंने बहुत सारा प्यार पाया, मैंने बहुत सारी जगह डांट खाई, मैं किसी मंजिल की बात कर रहा हूँ, मैंने खाई डांट भी खाई, अब मैंने प्यार भी बहुत पाया, मैंने वो बातें भी सुनी जो मैं समझ नहीं सकता था कि ये बातें मेरे लिए बाइस मगफिरत बन जाएंगी। और वो सारी बातें क्या है, वो सब बातें आपकी अपनी बातें हैं। आपने अगर यहीं किसी का चाय का कप अगर बराबर में रखा है और वो उस बेचारे का खाली और आगे पास चाय और आपने अपनी चाय उसको दे दी, शायद यही आपके लिए जन्नत का सबब बन जाए। पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये हो सकता है। मैं बस उसमें बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये हो सकता है, क्योंकि अल्लाह सुबहान व तआला वो कहते हैं नज़र भी रखे समाज से भी। नज़र का क्या मतलब होता है? कि वो आपको देख रहा है हर वक्त? क्या वो आपको देख रहा है? क्या उसकी कोई 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 करोड़ों आँखें हैं? नज़र का मतलब ये होता है कि आप उसे छुपे हुए नहीं है बस। नज़र का मतलब ये नहीं कि अल्लाह देख रहा है, जगह लिखा होता अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख नहीं रहा, आप अल्लाह से छुपे हुए नहीं है, देखता नहीं है वो, छुपे हुए नहीं है। देखने के लिए तो आँखों का तसव्वुर लाना पड़ेगा, नहीं ला सकते, छुपे हुए नहीं है बस। छुपके दिखाओ ना, छुपके दिखाओ ना खुदा से। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं छुप के दिखाओ बस, जो दिल चाहे करो बस छुप के दिखाओ, कहीं भी छुप जाओ और बताओ कि अल्लाह नहीं देख रहा। ये बात तो इसको थोड़ा समझिएगा, ये बड़ी अहम तरीन बात है। बाकी मैं अभी कुछ रवायात हैं उनको बयान करूंगा। एक बड़ी खूबसूरत नाच है, मैंने बहुत अरसे पहले लिखी थी और मैंने शायद एक ही मरतबा उसको पढ़ा, मेराज के मौके पर मैंने लिखी थी। और मैं मुझे याद है कि मेरी वालदा उस वक्त हयात नहीं थी और मैंने ये नात लिखने के बाद इसके पहली मर्तबा जो है वो उनकी कब्र पे जाके ऐसी, हालांकि हम अगर यहाँ से भी गए तो अल्लाह चाहेगा तो वो वैसे भी सुन लेंगे, लेकिन ये कि कब्र में जाकर कब्र के पे खड़े होकर सुनाने का मतलब ही नहीं कि मुर्दा सुन रहा है,
यकीन रखना चाहिए कि वो सुन रहा है। उसमें आप अगर गौर करें तो वो गड़े में पड़े हुए जहन्नमियों से कहा है, गड़े में पड़े हुए जहन्नमियों के लिए कहा है। सैयदना फारूक आजम ने कहा यार रसूलल्लाह ये सुनते हैं, अबू जहल से मुखातिब थे ना, अबू जहल, अबू लहाब, अबू जहल, उमैया, शैबा, उतबा, वरीद, मुगीरा, इन सब उमैया बिन खल्फ, तो उनसे मुखातिब थे। कहाँ गया तुम्हारा गुरूर, कहाँ गया? तो उसमें हजरत उमर ने कहा था यार रसूलल्लाह क्या ये सुनते हैं? तो आपने मुड़ कर देखा और कहा तुमसे ज़्यादा सुनते हैं। उसका मतलब ये है, उसका मतलब समझने की कोशिश की है, उसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे ज़्यादा सुनते हैं, मतलब ये कि इस वक्त अल्लाह ताला ने इनको सामे बना दिया मेरी बात के लिए। कल तक ये सामे नहीं थे, तो तुम तो सुनते ही हो मेरी बात, इस वक्त सामने बने हुए इनको सुनना पड़ रहा है मेरी बात, तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं। इसका मतलब ही नहीं खबर में मुर्दा सुनता है, तुमसे ज्यादा सुन रहे, सामने बना दिया अल्लाह ने, मरे हुए को सामने बना दिया, सामने इस वक्त सामने है, सुनना पड़ेगा उसको। अब उसके पास पहले तो सुनिए ना, पहले तो कानों में उंगलियां ठूस लेते थे, ऐसा होता था रसूलल्लाह वही बयान फरमाते थे, कानों में उंगलियां ठूस लेते थे। अब ठूस के दिखाओ, अब ठूस के दिखाओ, अब तुमसे ज्यादा सुनते हैं उमर, तुमसे ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि तुम तो मेरी सुनते ही हो। ये मोहब्बत थी हजरत उमर से मोहब्बत थी, तुम तो मेरी सुनते हो उमर, ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं, क्योंकि सुनते ही नहीं थे। तो इसको समझें, इन चीज़ों को, बड़ी ये अहम तरीन चीज़ें हैं, और इनको इसलिए आज हम महफिल हमने ऐसी सजाई है कि कोई खिताब की महफिल ना रही, आपस में बातचीत कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, जवाब कर रहे हैं। ये गुफ्तगू के ऐसे मनाजिल होते हैं कि जहाँ पर आप अपने दिल की बात भी करते हैं। और इल्म याद रखिए कि इल्म की भी मैंने एक बात सुनी कि इल्म जो है वो मेरी मीरास है। क्या फरमाया उन्होंने? इल्म जो है वो मेरी मीरास है, मैं जिसे चाहूँ दूँ। और सवाल करने वाले ने पूछा कि इल्म तो खुदा है, तो कहाँ तकसीम करने वाला तो मैं हूँ, अल्लाह ने तो मुझे दे दिया ना इल्म, मुझे इल्म दे दिया ना अल्लाह ने, और मुझे इल्म क्यों दिया? क्योंकि मैंने हर वक्त अपने, तुम क्या पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम में से कोई एक भी पढ़ता है रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, मैंने इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे इल्म दे दिया, मैंने इतना पढ़ा इल्म कि रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, मैंने इतना कहा कि ए रब मेरे इल्म इजाफा फरमाए, इल्म इजाफा फरमाए, कि इल्म अब मेरे पास है। वही अल्लिमुल किताब वल हिकमा हो गया। हाँ जी, वही अल्लिमुल किताब वल हिकमा, भाई इन कानू मिन कबल लफी दलाले में, तुम तो जहालत की घाटियों में पड़े हुए लोग हो। तो जिसके पास इल्म है उससे इल्म हासिल कीजिए, और फसलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, और जो कुछ भी पूछना है अहले ज़िक्र से पूछा करें, अहले इल्म से पूछा करें, इधर उधर ना पूछा करें, उनसे पूछे जो जानते हैं, उनसे मत पूछे जो नहीं जानते। तो ये सारी बातें मैं एक नात बस पेश करता हूँ, उसके बाद इस महफिल को इसी तरह आगे बढ़े, सब लोग मोहब्बत से दुश्मन पढ़े। मेराज की है हसीन शब और वो देखो जिब्रील आ रहे हैं, मेराज की है हसीन शब और वो देखो जिब्रील आ रहे हैं, परों को अपने समेट कर वो अदब से सर को झुका रहे हैं, परों को अपने समेट कर वो अदब से सर को झुका रहे हैं, मेराज की है हसीन शब, वो ठंडे होठों से बोसा तलवो कले के आका को यूं जगाना, वो ठंडे होठों से बोसा तलवो कले के आका को यूं जगाना, के जैसे ताजी में मुस्तफा के सलीके सबको सिखा रहे हैं, के जैसे ताजी में मुस्तफा के सलीके सबको सिखा रहे हैं, मेराज की है हसीन शब, नबी ने मुस्का के आंखें खोली कमर ने बादल में मुंह छुपाया, नबी ने मुस्कुराहट, बड़ी मोहब्बत वाली महफिल है, ये प्यार की महफिल है, मुस्कुराहट वाली महफिल, नबी ने मुस्का के आंखें खोली
हमर ने बादल में मुंह छुपाया, घटा हुआ चांद, घटा हुआ चांद जानता है वो नजरे कामिल उठा रहे हैं। घटा हुआ चांद जानता है वो नजरे कामिल उठा रहे हैं। अदब से रूहुल अमी ये बोले, हो गर इजाजत तो कुछ कहूँ मैं, हो गर इजाजत। अदब से रूहुल अमी ये बोले, हो गर इजाजत तो कुछ कहूँ मैं, मिला जो इज़्ने कलाम ये अर्ज की के रहमा बुला रहे हैं, मिला जो इज़्ने कलाम ये अर्ज की के रहमा बुला रहे हैं। ये बोले हुक्मे खुदा है आका के बन के खादिम चलूं मैं से, ये बोले हुक्मे खुदा है आका के बन के खादिम चलूं मैं से, सफर के सारे नजारे कह दे गुलाम अहमद के आ रहे हैं। ये होते हैं गुलाम अहमद के, हम गुलाम अहमद के, गुलाम अहमद के नहीं है, हम गुलाम अहमद, हम गुलाम अहमद के, गुलाम अहमद के नहीं है। ये बोले हुक्मे खुदा है आका, समझने वाले समझे, ये बोले हुक्मे खुदा है आका के बन के खादिम चलूं मैं से, ये बोले हुक्मे खुदा है आका के बन के खादिम चलूं मैं से, सफर के सारे नजार कह दे गुलाम अहमद के आ रहे हैं, सफर के सारे नजार कह दे गुलाम अहमद के आ रहे हैं। बुराक ने जो नबी को देखा मचल के संभला, संभल के मचला, बुराक ने जो नबी को देखा मचल के संभला, संभल के मचला, न बेसबब था ये झूमना के सवार तशरीफ ला रहे हैं, न बेसबब था ये झूमना के सवार तशरीफ ला रहे हैं। मेराज की थी हसीन शब वो काबे से थी उड़ान ऐसी के बैत अकदस पे जाके ठहरी, वो काबे से थी उड़ान ऐसी के जैसे के बैत अकदस पे जाके ठहरी, घड़ी इकामत की आन पहुंची इमाम मस्जिद, घड़ी इकामत की आन पहुंची इमाम मस्जिद में आ रहे हैं। घड़ी इकामत वो काबे से थी उड़ान ऐसी के बैत अकदस पे जाके ठहरी, वो काबे से थी उड़ान ऐसी के बैत अकदस पे जाके ठहरी, घड़ी इकामत की आन पहुंची इमाम मस्जिद में आ रहे हैं। ऐसे ही होता है ना इकामत के वक्त इमाम तशरीफ लाते हैं। पैगंबरों की सफे सजी थी, हाय 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 हाय, पैगंबर सफे तो देख लो किसकी है, अरे मान लो मेरे नबी को सफे तो देखो किसकी है। पैगंबरों की सफे सजी थी निगाहें उन पे जमी हुई थी, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला आपकी आपकी निगाह कहाँ जमी हुई थी, आपने कहा कि बद्र दुजा निकल आया, अरे देखो अंबिया की निगाहें भी जमी हुई थी।
अनस बिन मालिक सुन रहे होंगे, आपकी निगाहें तो जमी हुई थी, आप भी देख रहे थे कि पर्दा हटता है तो बद्र जुजा निकलेगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब फराश थे, बीमार नहीं होंगे कभी, बीमार नहीं होंगे साहिब फराश थे, तो उस वक्त लोग सहाबा देख रहे थे वो पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे। तुम कहते हो कि रसूल का जिक्र या तसव्वुर आने से नमाज छूट जाती है? उन सहाबा को क्या कहोगे जो पर्दे की तरफ देखे जा रहे थे और नमाज पढ़ रहे थे, पर्दे की तरफ देखे जा रहे थे नमाज पढ़ रहे? तुम तो जिक्र आने की वजह से कहते हो, हम तो निगाहें देखते हैं सहाबा की किधर जा रही है, मुझे रसूल की तरफ। पैगंबरों की सफे सजी थी, निगाहें उन पे जमी हुई थी। अरे यौमे अनस जिसका वादा लिया था वो आ रहा है भाई। निगाहें उन पे जमी हुई थी, पढ़ी ना अब तक, पढ़ी ना अब तक नमाज, ऐसी नमाज आका पढ़ा रहे हैं। पढ़ी न अब तक, ये सब सरकार कर, पढ़ी न अब तक नमाज, ऐसी नमाज आका पढ़ा रहे हैं। और फिर आगे किया अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। सफर यहीं पर तमाम ना था कि आने वाला भी आम ना था। सफर यहीं पे तमाम ना था कि आने वाला भी आम ना था। यहाँ से आगे, यहाँ से आगे कहाँ है मंजिल, ये रस्ते उनको बता रहे हैं। यहाँ से आगे कहाँ है मंजिल, ये रस्ते उनको बता रहे हैं। जो पहुंचे सिदरा पे तो मैं, जो पहुंचे सिदरा पे तो अमीने, जो पहुंचे सिदरा पे तो अमीने, अमी से रुखसत की अर्ज यूं की। जो पहुंचे सिदरा पे, जो पहुंचे सिदरा पे तो अमीने, अमी से रुखसत की अर्ज यूं की। यहां से आगे, यहां से आगे है तुमको जाना, हिजाब उठने को जा रहे हैं। हिजाब उठने को जा, यहां से आगे, यहां से आगे है तुमको जाना, हिजाब उठने को जा रहे हैं। ये हुक्म रब्बी है सैयदी, अब मुझे अता हो तेरी इजाजत। पूरा सफर सुना रहा हूं। ये हुक्म रब्बी है सैयदी, अब मुझे अता हो तेरी इजाजत। सभी की हद है, सभी की हद है, जो चाहता हूँ सभी की हद है, सिवाय तेरे हदों से आगे को जा रहे हैं। सभी की हद है, सिवाय तेरे हदों से आगे को जा रहे हैं। तलब ने जकड़ा है वक्त को, वो थमा है जैसे कभी नहीं था। वक्त रुक गया था, सही वक्त रुक गया। तलब ने जकड़ा है वक्त को, वो थमा है जैसे कभी नहीं था। वसल की शब है शुमार कैसा लम्हे, ये रुक कर बता रहे हैं। शब है शुमार कैसा लम्हे, ये रुक कर बता रहे हैं। चलो मैं भी रुक कर बताता हूँ। वसल की शब है शुमार कैसा लम्हे, ये रुक कर बता रहे हैं। वसल की शब है जाने आलम नबी हमारे, मेराज सरवर सबूत इसका। है जाने आलम, है जाने आलम, है जाने आलम नबी हमारे, मेराज सरवर सबूत इसका। जहां में जान, जहान में जान आए वापस, जो देखा आका ही आ रहे हैं।
जहान में जान आए वापस जो देखा खाकी आ रहे हैं। आला हज़रत ने दूसरे अंदाज में कहा, शायरों के शायर हैं, आशिकों के सबसे बड़े आशिक हैं। तो जान है जहान में, क्या है जान है तो जहान पढ़े। हाँ जो थे वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है जान आलम नबी हमारे मेराज सरवर सबूत इसका। जहान में जान आए वापस जो देखा आका ये आ रहे हैं। सलाम क्या था कलाम क्या था, कमान जैसा मकाम क्या था। सलाम क्या था कलाम क्या था, कमान जैसा मकाम क्या था। ये राज रब्बे करीम है फिर न जाने सब क्यों बता रहे हैं। ये राज रब्बे करीम है फिर न जाने सब क्यों बता रहे हैं। सब तो सिर्फ अबू बकर को पता था, उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने नहीं बताया, पता नहीं लोग क्यों बता, सिर्फ उनको पूरा पता था। जिसको जितना पता था, जिसको जितना अल्लाह ने इल्म दिया था रसूल ने उसको उतना ही बताया। वो रफीक नबूवत को पता, हाँ रफीक नबूवत को पता, क्योंकि खत्म नबूवत का तहफ्फुज़ करता था, क्योंकि खत्म नबूवत का तहफ्फुज़। अगर कोई अगला होता तो शायद वो डगमगा जाता, लेकिन अबू बकर को पता था ये कौन है, अबू बकर को पता था ये कौन है, ये खातिमुन नबी ने जो मकाम मुझको बताया। मुसैलिमा तुझे मैं छोड़ूंगा, मुसैलिमा तुझे मैं छोड़ूंगा, चाहे मैं इस वक्त कमजोर हूं। अच्छा मदीना रियासत नहीं होती, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आज तुम बता दो, मदीना रियासत नहीं होती, मैं बता समझाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। रियासत वो होती है जिसकी हुदूद हो, रियासत वो होती है जिसकी जो हद में रहे वो रियासत होती है, जो सबको मुसलमान करती रहे वो रियासत नहीं होती। 60 लाख मुरब्बा मील तक तो हजरत उमर की हुकूमत थी, रियासत मदीना कैसे थी, रियासत मदीना नहीं होती। मदीने में नबूवत होती है, इमामत होती है, खिलाफत होती है। पहले नबूवत मदीना थी, फिर खिलाफत मदीना थी, फिर इमामत मदीना थी, रियासत मदीना नहीं थी। मदीना तो शहर होता है, मदीना शहर को कहते हैं, विलायत मदीना भी शामिल, विलायत मदीना, लेकिन रियासत नहीं थी, रियासत की हद होती है। पाकिस्तान रियासत है, इसकी हद है, यह हद बढ़ाएगा तो जंग छिड़ जाएगी। वो रियासत नहीं थी, वो हद बढ़ाते थे तो ईमान ले आते थे लोग। तो समझने वाले समझे, रियासत मदीना नहीं है। जिनको समझाना है उनको मैंने बराह रास्त कह दिया। सलाम क्या था कलाम क्या था, कमान जैसा मकाम क्या था। सलाम क्या था कलाम क्या था, कमान जैसा मकाम क्या था। ये राज रब्बे करीम है फिर न जाने सब क्यों बता रहे हैं। उन्होंने रब को कहां से देखा, दिलो नजर से जहां से देखा। उन्होंने सवाल ये करते कहां से देखा, आंखों से देखा, किधर देखा, हम भी पूछ रहे हैं। उन्होंने रब को कहां से देखा, दिलो नजर से जहां से देखा। को कहते दिल की आंख से देखा, को कहते सर की आंख से देखा। किसी ने देखा, किसी ने देखा कि कैसे देखा, तो फिर तो किसी ने देखा कि कैसे देखा, तो बातें फिर क्यों बना रहे हैं। जब पता ही नहीं आपको किसने देखा, कैसे देखा, बातें काय को बना रहे, क्यों बना रहे, क्यों बना रहे। सफर की तस्दीक बस करो तुम, सवाल करना मुनाफिकत है। सफर की तस्दीक बस करो तुम, सवाल करना मुनाफिकत है। इताअत मुस्तफा के सिद्दीक सब करीने सिखा रहे हैं।
इताते मुस्तफा के सिद्दीक सब करीने सिखा रहे हैं। और आखिरी इशारे कुरान लाए नमाज लाए दरे खुदा से दो तोहफे लाए। कुरान लाए नमाज लाए दरे खुदा से दो तोहफे लाए। ये चाहते मुस्तफा हैं लोगों नबी ये उम्मत से चाह रहे हैं। ये पैगाम ये मुझसे ख्वाब मिला। ये चाहते मुस्तफा है लोगों नबी ये उम्मत से चाह रहे हैं। खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा आज इस महफिल में। कुरान ये मैंने शेर ऐड किया है। कुरान लाए नमाज लाए दरे खुदा से दो तोहफे लाए। वो दो तोहफे क्या है? आखिरी आया जी जी आमद रसूल से जी उनको भी जरा अहमद कुरान लाए नमाज लाए दरे खुदा से दो तोहफे लाए। ये चाहते मुस्तफा हैं लोगों नबी ये उम्मत से चाह रहे हैं। दीदार और इंतजार के दरमियां मुसल्ला बिछा के देखो। दीदार और इंतजार के दरमियां मुसल्ला बिछा के देखो। वो ख्वाबों में अपना नूरी चेहरा नमाजियों को दिखा रहे हैं। दीदार और इंतजार के दरमियां मुसल्ला बिछा के देखो। दीदार और इंतजार के दरमियां मुसल्ला बिछा के देखो। वो ख्वाबों में अपना नूरी चेहरा नमाजियों को दिखा रहे हैं। वो ख्वाब में अपना नूरी चेहरा नमाजियों को दिखा रहे हैं। बस ये मिसरा लिखा है, कंप्लीट ये करेंगे बाद में, अभी या ये करेंगे मिसरा आप लोगों को छोड़े जा रहा हूँ। ऐ मेरे आका शफीए महशर मैं तेरा आमिर गुलाम कमतर। ऐ मेरे आका शफीए महशर मैं तेरा आमिर गुलाम कमतर। अब अगला मिसरा बनेगा क्या ये अहमद रजा ही बता रहे हैं। अब अगला मिसरा बनेगा क्या ये अहमद रजा ही बता रहे। और बताना अहमद रजा को बस ये अब आप वक्फा लेने दो। पहले मैं नाज में गुफ्तगू सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम बहुत ही खूबसूरत अशार जो कि माशाल्लाह हाँ इश्क के रंग तो अब असल में अब नज़र आ रहे हैं क्योंकि कहीं मुसल्ले की बातें हैं कहीं दीदार की बातें हैं कहीं सदाकत के ताजदार की बातें हैं है? कहीं गमखार की बातें हैं कहाँ सरकार की बातें हैं हाँ कहीं अलमदार की बातें वाह 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 सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह हम वापस आ रहे हैं एक बहुत मुख्तसर से वक्फे के बाद। कहीं मत जाइएगा क्योंकि महफिल अभी अपनी परवाज की तरफ जारी है सारी है। इंशाल्लाह एक वेरी शॉर्ट ब्रेक आते हैं वापस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।